नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय देश की एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसे बहुत सारे लोग चलाते हैं और ये है हीरो की पैशन प्लस। 2023 में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं और इस मोटरसाइकिल की क्या है कीमत और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, कितनी कंफर्टेबल है बैठने में अमित द्विवेदी जैसे राइडर के लिए, ये सब कुछ आपको अपने इस वीडियो में बताऊँगा, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया बात करते हैं फ्रंट डिज़ाइन की, लेकिन इसके पहले आपको इसकी कीमत बता देता हूँ। 76,300 रुपये इसकी एक शोरूम कीमत है। आपके शहर में कीमत बदल सकती है, तो ऑन रोड कीमत अपने नज़दीकी डीलरशिप से फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। क्या क्या चीज़ें मिलती है दिखाता हूँ। तो आपको ये हेलोजन बल्ब के साथ में कुछ ऐसा हेडलैम्प मिल जाता है, जाना पहचाना चेहरा पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन आपको जो चीज़ें मिलती है वो दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का लोगो मिल जाता है, एक ग्लॉसी फिनिश बढ़िया सा आपको मिल जाएगा, ये वाइजर जैसा दिखता है पीछे। तो इसका डिज़ाइन मुझे शुरू से अच्छा लगा है और ये अभी भी प्रासंगिक है आज के ज़माने में भी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और अलॉय आपको ब्लैक कलर का 5 स्पोक मिलता है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल जाता है। ड्रम ब्रेक आपको सामने मिलता है, क्योंकि भैया ये बहुत सारे लोगों की बाइक है जो अपनी राइडिंग की दुनिया शुरू करते हैं इस मोटरसाइकिल से। जो टायर प्रोफाइल मिलता है 8018 का मिल जाता है और ये ओवरऑल अगर देखेंगे तो लुक वाइज आपको डिसअपॉइंट नहीं करती, क्योंकि जो कीमत आप चुका रहे हैं हीरो वो सही से निभा के इसके साथ में दे रही है। तो चलिए अब दिखाते हैं इसका साइड प्रोफाइल। तो भैया बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो पैशन में एक चीज़ अच्छी लगती है मुझे, एक ही सारी गार्ड जो दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया रहता है, तो उन लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जो एक तरफ पैर करके बैठती हैं। और ये मोटरसाइकिल एक कम्यूटर मोटरसाइकिल के तौर पर अपनी जगह बनाती है भारतीय जनमानस में, तो वहाँ पर उनका ध्यान बहुत अच्छे से हीरो ने रखा है, इसी वजह से हीरो शायद हीरो है अभी भी और सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें भारत में बेचती है। ग्राफिक वगैरह अच्छे से दिया गया है। पैशन की बैजिंग आपको इस तरह से लिखी मिल जाएगी प्लस, और सामने ये ग्राफिक बहुत अच्छे से यहाँ से शुरू होकर टैंक से यहाँ तक आ जाता है, काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। और पीछे आपको ट्विन शॉकर मिलते हैं जो कि रेड कलर में काफ़ी मतलब एक स्पोर्टी अंदाज देने की कोशिश की है। ये मोटरसाइकिल आपको 3 रंगों मिलती है, तीनों रंग इसके बहुत ही अच्छे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और मुझे शुरू से पसंद रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो रंग अब मिल रहे हैं इस पर आप कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे सबसे अच्छा रंग ये वाला लगा, तो मैंने ये वाला उठा दिया। ब्लैक और रेड का ये जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे बहुत अच्छा जम रहा है इसमें। फुटपेग राइडर का, फुटपेग पिलियन का और राइडर का फुटपेग, और ये पैटर्न आपको शिफ्टिंग का इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पर आपको दोनों स्टैंड मिलते हैं, सेंट्रल स्टैंड भी मिल जाता है, साइड स्टैंड भी मिल जाता है। और ये डिस्प्ले पर पता भी चल रहा है, अगर ये ऑन रह गया है तो डिस्प्ले पर आपको पता चल जाता है कि भैया ये वाला साइड स्टैंड ऑन रह गया है, तो ये अच्छी चीज़ है। सेफ्टी का ध्यान रखा गया है इस मोटरसाइकिल में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। लेग गार्ड भी यहाँ पर आपको मिलता है, साथ में इस तरफ आपको ये मिल जाता है ग्रैब रेल, जो पिलियन बैठेगा वो पकड़ लेगा आराम से। तो छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल मिलता है रियर में ये 8018 का मिलता है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। तो ये एक बोलते कॉस्ट इफेक्टिव मोटरसाइकिल, मतलब ध्यान रखा गया है, अगर ड्रम की जगह डिस्क देते तो महंगी हो जाती है, तो इसी वजह से इन लोगों ने डिस्क नहीं दिया। हालांकि परफॉर्मेंस इसका कैसा होगा, माइलेज कितना होगा, अगर आप जानना चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, जल्द ही उस पर एक नया वीडियो बनाया जाएगा। अभी क्या और चीज़ें मिलती हैं वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको रियर दिखाता हूँ और फिर मैं इस पर बैठकर और इसके फीचर्स दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ें इसमें और ऑफर की हैं कंपनी ने, और आवाज़ भी आपको सुनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा बिना आवाज़ सुने मत जाइएगा। तो भैया जिसका फ्रंट बुलंद हो तो उसका रियर कैसा होगा ये भी देख सकते हैं। तो इस हीरो का रियर आपको काफ़ी जाना पहचाना लगेगा, हालांकि यहाँ पर हैलोजन बल्ब भी आपको टेल लैंप पे भी मिलता है, नंबर प्लेट यहाँ आ जाएगा, टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, इस तरफ दिखाना भूल गया था, किक मिलता है इस मोटरसाइकिल में, तो मत समझिएगा कि सेल्फ दे दिया तो किक भूल गए, किक दिया हुआ है यहाँ पर। और ये यहाँ पर ये जो आपको क्रोम की पट्टी मिल रही है एग्जॉस्ट पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ में काफ़ी अच्छा इस पर जा रहा है। यहाँ पर चाबी लगा के खोल के छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं, दिखाता हूँ कितना रख सकते हैं। तो ये खोल के भी दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिखाया नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए आप छोटा मोटा मतलब किट वगैरह यहाँ पर रखी जाती है, तो जो फर्स्ट एड किट वगैरह वो यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर आपको 100cc का इंजन मिलता है और FI इंजन यहाँ पर अब आता है, क्योंकि BS6 फेज 2 जो बना है उसके तहत अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज की गई हैं जो कि, और इथेनॉल 20 मतलब 20% इथेनॉल मिश्रित फ्यूल से ये बाइक चल सकती है, तो इसका भी इसमें अब आपको प्रोविजन मिलने वाला है। 8.02 PS की शक्ति देता है और इतना ही आसपास इसका टॉर्क भी निकलता है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। जब चलाएंगे तो वहाँ पर और चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। I3S टेक्नोलॉजी इसमें आती है जो माइलेज को इन्हेंस करती है, तो यहाँ पर उसको आप ही प्रदर्शन
रजिस्ट्रेशन किया गया है, ये आपको यहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा। और जो FI टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इन्होंने क्रोम के साथ यहाँ पर रख दिया है, जिससे लोगों को पता चल जाए कि ये FI टेक्नोलॉजी के साथ वाली मोटरसाइकिल है, जिसमें अब माइलेज और भर भर के मिल सकता है। कितना मिलेगा वो बाद में बताएंगे जब आप कॉमेंट करेंगे। अब चलिए बैठ कर देखते हैं इस मोटरसाइकिल बैठने में कैसी है। तो चलिए भैया इस मोटरसाइकिल पर बैठ के दिखाता हूँ। तो मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, आप सब जानते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ। और बैठने के बाद में मेरे पूरे पैर यहाँ पर आ रहे हैं। पिलियन बैठेगा कितना कंफर्टेबल रहेगा, तो पिलियन बुलाता हूँ एक बार। आइए जरा बैठिए पीछे। तो रोशन जी हैं हमारे नए मेहमान हैं भाई साहब, और मेहमान नहीं है, हमारे पावर ऑन व्हील के सदस्य हैं, जुड़ चुके हैं और थोड़े दिन में आपको रिव्यू भी करते हुए नजर आएंगे। रोशन कंफर्टेबल हो? हाँ बहुत। ये बोल रहे हैं कंफर्टेबल हैं, सच में कंफर्टेबल होंगे क्योंकि ये मोटरसाइकिल उन्हीं के लिए बनाई गई है जो इस पर बहुत बैठकर चलने वाले हैं, क्योंकि दो लोग आराम से बैठते हैं और गांव में मोटरसाइकिल बहुत चलती है। और अगर हाइट की बात करेंगे, जो सीट हाइट है 790 mm की, मेरे लिए भी बहुत कंफर्टेबल है और मेरा राइड पोजिशन कुछ इस तरीके से रहने वाला है। थैंक यू रोशन बैठने के लिए। अब मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। तो ये रोशन चाबी लगा दीजिए यहाँ पर। जब चाबी लगाएंगे, एक तो आपको टैंक काफ़ी परफेक्ट मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको टैंक का परफेक्ट साइज मिल जाता है। और यहाँ पर फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं अब दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। तो आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके से इन्होंने अब दिया हुआ है, और चाबी लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। तो ये न्यूट्रल में है बाइक, तो यहाँ पर दिख जाएगी, मतलब यहाँ पर जो होगा वो पता चलता रहेगा। इंजन मॉल फंक्शन का बटन मिल जाता है, कितनी स्पीड पर बाइक चल रही यहाँ दिख जाएगा। MID पर पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। I3S टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी गई है और आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर ओडोमीटर पर कितना है ये दिख जाएगा, और ये पूरा ट्रिप वगैरह आप यहाँ से देखते रहेगा। तो नई नवेली मोटरसाइकिल है, इस तरीके से आती है। और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट आता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट हो गई, आवाज़ बाद में सुनाता हूँ। और इस साइड में कुछ बटन आते हैं, टर्न इंडिकेटर का ये हो गया, और ये हॉर्न भी सुन लीजिए, ये इसका हॉर्न है। और पासिंग लाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और अब बारी है इसके आवाज़ को सुनने की, तो चलिए आवाज़ सुनाते हैं आपको। इस मोटरसाइकिल की आवाज़ अब कितनी बुलंद हुई है आपको मैं सुना के दिखाता हूँ। तो भाई ये आवाज़ भी सुना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आवाज़ सुनना पसंद करते हैं मोटरसाइकिलों का, लेकिन 100 cc में बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी कम होती है, लेकिन ये वही मोटरसाइकिल है जो बहुत बिकती है। तो आवाज़ कैसी होने वाली है? आइडल कंडीशन, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। छोटी बाइक है, माइलेज अच्छा देती है, आवाज़ कैसी लगी आपको अब ये आपको कमेंट करके बताना है। तो भैया समय के साथ बदलना ज़रूरी है, और बहुत सारे लोग जो समय के साथ अपने आप को बदलते रहते हैं, तरक्की के शिखर को छूते रहते हैं। हीरो भी वही कोशिश कर रही है, और पैशन प्लस के जरिए उसने फिर एक नया अध्याय दोहराने की कोशिश की है। इसमें जो बदलाव किए गए हैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो बदलाव किए गए हैं बहुत ही प्रासंगिक हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो अब आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप इस मोटरसाइकिल पर कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाक कमेंट करिए। जो जो कमेंट आप करेंगे उस पर वीडियो में लेके जरूर आऊंगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में।